वेलकम टू प्रोग्राम योर माइंड विद दिस साइड। आइए आज मैं आपको बताता हूँ बहुत ही कमाल की एक चीज के बारे में, जिसे मैं कहता हूँ द थ्री सर्कल्स ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ के तीन सर्कल्स। इसमें पहला सर्कल है द सर्कल ऑफ कंट्रोल, सेकेंड सर्कल है द सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और थर्ड सर्कल है द सर्कल ऑफ नो कंट्रोल। अब ये क्या होता है और इसमें हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, अगर हम इस बात को समझ जाएं हमारी जिंदगी में हम एक मेजर शिफ्ट, एक मेजर चेंज लेके आ सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। सबसे पहले बात करता हूँ सर्कल ऑफ कंट्रोल के। एक छोटा सा सवाल है, इस पूरी दुनिया में आप किसे कंट्रोल कर सकते हैं? मुझे पता है आपका जवाब बिल्कुल सही है कि सिर्फ खुद को और किसी को नहीं। यानी कि जब भी आपकी जिंदगी में कोई सिचुएशन है, कोई चैलेंज है या कोई गोल है जिसे आप अचीव करना चाहते हैं, तो उसका कंट्रोल किसे अपने हाथ में लेना पड़ेगा? बिल्कुल, आपको खुद को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई गोल आप अचीव करना चाहते हैं तो आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा उसका कंट्रोल, कि ये सच में अचीव हो जाए, ये आपको अपने हाथ में लेना पड़ेगा। यानी दीज थिंग्स लाई इन द सर्कल ऑफ कंट्रोल। और पूरी दुनिया में अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं तो ये कमाल की बात है। यानी कि आपकी जिंदगी में जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसके लिए आपको किस इंसान के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी, किसके ऊपर सबसे ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत होगी? अपने खुद के ऊपर, बिल्कुल। और ये राइट इन्वेस्टमेंट होगा आपका खुद के लिए। वाह, ग्रेट। आइए सेकंड में आपको बताता हूं कि द सेकंड थिंग इज द सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी कि आपके इन्फ्लुएंस का जो सर्कल है उसमें कौन लोग बिलोंग करते हैं? उसमें वो लोग बिलोंग करते हैं जो आपके वर्क एनवायरमेंट में है, जो आपकी फैमिली में है। माइट बी, अगर मैं एक एग्जांपल की तरह बात करूं तो आपकी फैमिली में अगर आपके पेरेंट्स हैं, आपके लाइफ पार्टनर हैं, आपके बच्चे हैं, तो ये लोग आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आते हैं। आप जहां पे काम करते हैं वो वर्क एनवायरमेंट में जो लोग हैं, दे आर इन योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। तो आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, हमारी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसलिए क्रिएट होती हैं कि हम सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में जो लोग रहते हैं उन्हें हम सर्कल ऑफ कंट्रोल में लेके आना चाहते हैं, यानी कि वी वॉन्ट टू कंट्रोल दीज पीपल। और ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, अगर आपको कोई कंट्रोल करने की कोशिश करे और चाहे कि सब कुछ आप उनके अकॉर्डिंग करें तो आपको कैसा महसूस होगा? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे। और आपको लगता है अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं हर वक्त तो आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल। यानी कि हमें अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में जो लोग हैं उन्हें इंस्पायर करना चाहिए, उन्हें इन्फ्लुएंस करना चाहिए। और इंस्पायर और इन्फ्लुएंस हम कर कैसे पाएंगे? ये हम तब कर पाएंगे जब हम अपने आप को बिल्ड करेंगे। सोचिए अगर आप बहुत सक्सेसफुल हो जाएं तो आपके फ्रेंड सर्कल में जो लोग हैं, आपको नहीं लगता आप उनके लिए एक पर्सन ऑफ इंस्पिरेशन बन जाएंगे, एक पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस बन जाएंगे, जो शायद उन्हें भी सफल होने के लिए प्रेरित कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है? सोचिए अगर आप एक ऐसे लविंग और केयरिंग पर्सन बन जाएं जो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट स्पोकन है, अपने घर में उसके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, वो हर किसी को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, तो आपको नहीं लगता आपकी ये चीजें इन्फ्लुएंस करेंगी कि आपको यही चीजें रिटर्न में मिलें दूसरों के साइड से? और यही तो आप चाहते हैं। यानी कि सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के लोगों को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। डोंट ट्राई टू कंट्रोल देम, जस्ट इन्फ्लुएंस देम विद योर ग्रोथ, विद योर डेवलपमेंट। आइए तीसरे सर्कल की बात करता हूं। द थर्ड सर्कल इज द सर्कल ऑफ नो कंट्रोल, यानी कि जिस सर्कल के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारा बस नहीं चलता। मैं आपको बताऊं, मैं किसी भी प्रोफेशन को, एस्ट्रोलॉजी या किसी भी और प्रोफेशन को पुट डाउन नहीं कर रहा हूं। दे ऑल आर गुड साइंस एट देयर प्लेस, वो बहुत ही अच्छी चीजें हैं। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताना चाहता हूं कि जिंदगी में जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे हमारी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, मेरे भाग्य में क्या लिखा है, व्हाट इज देयर इन द डेस्टिनी, व्हाट इज देयर इन द फेट, ये वो चीजें हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। दे आर लाइक इन सर्कल ऑफ नो कंट्रोल। अगर कोई किसी हादसे की बात करते हैं, जैसे सुनामी है या अर्थक्वेक है, ये चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। जाहिर सी बात है कि कुछ हद तक हमारे इन्फ्लुएंस में है, क्योंकि हमारे ही जो इन्वायरमेंट में आज हम उल्टी सीधी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं उसके कारण ये पूरा इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो रहा है। और जब वो अपने आप को बैलेंस करता है तो हमें एक बहुत बड़े डिजास्टर के रूप में नजर आता है। ठीक है, दैट इज ओके, दैट इज वन पार्ट। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर ऐसी कोई भी घटना है तो कोई ताबीज पहन लेने से, कहीं पे जाके बहुत सारा पैसा दान में दे देने से ये चीजें चेंज होने वाली नहीं है, बिकॉज दे लाई इन सर्कल ऑफ नो कंट्रोल। तो यहाँ पे करना क्या है, जो भी चीजें सर्कल ऑफ नो कंट्रोल में है उनको कंट्रोल करने के नाम पे बहुत सारे लोग आपको चीट करते हैं, आपको ठगते हैं। आप हमेशा एक बात ध्यान में रखिए कि आपको वर्क वहां पे करना है जहां पे सर्कल ऑफ कंट्रोल है और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। इन चीजों के लिए, सर्कल ऑफ नो कंट्रोल के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप पॉजिटिव होप कर सकते हैं कि मेरी जिंदगी में चीजें अच्छे तरीके से होंगी, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं, ऐसी मैं विजुअलाइजेशंस करता हूं कि मेरी जिंदगी में आगे चीजें अच्छी हो रही हैं।
अगर कभी किसी कारण से अगर चीजें वैसी नहीं हो जैसी हम चाहते हैं, तो अगेन सर्कल ऑफ कंट्रोल में हमें आ जाना चाहिए कि जो चीजें होनी थी वो हो गई, अब मैं इसमें कर क्या सकता हूँ, अब मैं इसमें रिस्पॉन्ड कैसे कर सकता हूँ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेने की जरूरत है। यानी कि अगेन सर्कल ऑफ कंट्रोल की बात आ जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सर्कल ऑफ कंट्रोल, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ नो कंट्रोल, ये तीनों आपको बहुत हद तक समझ में आया होगा, आपको क्लियर हुआ होगा, और आप अपनी जिंदगी में अगर अकॉर्डिंगली फंक्शन करेंगे इन तीनों सर्कल्स को ध्यान में रखते हुए, तो आप अपनी जिंदगी में एक मेजर शिफ्ट लेके आएंगे। क्योंकि मैं आपको बताऊं, आपकी जिंदगी बहुत कमाल की हो सकती है, एंड यू डिजर्व अ वंडरफुल लाइफ, अ अमेजिंग लाइफ, और ये आपकी सच में होनी ही चाहिए। तो मैं विश करता हूं कि ऐसी जिंदगी आप जिए, आप ऐसी जिंदगी क्रिएट करें। मैं वो बातें हमेशा करूंगा आपके साथ जो प्रैक्टिकल हैं, जो एप्लीकेबल हैं, और जिन्हें आप सच में अप्लाई करें तो अपनी जिंदगी में एक मेजर चेंज लेके आ सकते हैं। और ये मैं इसलिए कह सकता हूं इतने कॉन्फिडेंस के साथ, बिकॉज आई एम अप्लाइंग द सेम थिंग्स इन माई लाइफ एंड आई एम एक्सपीरियंसिंग द चेंजेस। सो विद दिस, थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।